आज का टॉपिक है सिंगल फेज मोटर में कैपेसिटर क्यों लगाते हैं, सीलिंग फैन में भी लगाते हैं, क्यों लगाते हैं। इसके साथ साथ दो तीन क्वेश्चन और बताऊंगा। सीलिंग फैन में कैपेसिटर वैल्यू बढ़ाने से क्या होता है, क्या फैन कैपेसिटर में पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। चौथा नंबर है पंखा धीरे धीरे चलने का क्या कारण है। सभी क्वेश्चन के मैं एक एक करके आंसर दूंगा। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पंखा धीरे धीरे चलने का क्या कारण हो सकता है। देखिए, पंखा धीरे चलने का दो ही कारण हो सकता है। पहला कारण होगा कि जो बेरिंग होता है सीलिंग फैन में वो जाम हो सकता है। यदि बेरिंग ठीक है तो आप कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं, कैपेसिटर खराब हो सकता है। कैपेसिटर जितना वैल्यू का है उतना ही वैल्यू में आप रिप्लेस कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन था क्या फैन कैपेसिटर में पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। देखिए, सीलिंग फैन या सिंगल फेज मोटर में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, इसमें कोई पोलैरिटी नहीं होता है, तब कैसे भी लगा सकते हैं। ओनली डीसी में पोलैरिटी होता है, प्लस और माइनस होता है, एसी में नहीं होता है। तीसरा क्वेश्चन था सीलिंग फैन में कैपेसिटर वैल्यू बढ़ाने से क्या होगा। देखिए, सीलिंग फैन जो कैपेसिटर का वैल्यू होता है उसमें उस पावर पर डिपेंड करता है। यदि आप वैल्यू बढ़ाइएगा तो पंखा तो तेज चल जाएगा लेकिन वाइंडिंग जल सकता है और पंखा का जो लाइफ होता है, जीवन काल, वो कम हो जाएगा। फैन में जो कैपेसिटर लगाते हैं वो वाटेज पे डिपेंड करता है। अलग अलग कंपनी में अलग अलग वैल्यू का कैपेसिटर लगाते हैं। देखिए, आखिरी क्वेश्चन है सिंगल फेज मोटर में कैपेसिटर आखिर क्यों लगाते हैं। सीलिंग फैन में इतना सामान लगा रहता है, देखिए पूरा डिटेल हम डायग्राम के माध्यम से बताते हैं। देखिए, इसमें ये जो है रोटर है, यही घूमता है, इसी में ब्लेड लगाते हैं। रोटर में भी एक मैग्नेट होता है, परमानेंट मैग्नेट, और स्टेटर होता है, इसमें दो कॉयल होता है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग, एक होता है रनिंग वाइंडिंग। देखिए, यहाँ पर दो वाइंडिंग किया हुआ है, एक रनिंग है और दूसरा स्टार्टिंग है। ये जो है, देखिए, दो वाइंडिंग है, दोनों वाइंडिंग का दो दो टर्मिनल है, एक इनपुट है दूसरा आउटपुट है। दूसरा वाइंडिंग का भी एक इनपुट है दूसरा आउटपुट है। यहाँ पर यदि देखिए हम कैपेसिटर कैसे लगाते हैं, यहाँ पर स्टार्टिंग वाइंडिंग में हम कैपेसिटर लगाते हैं और रनिंग वाइंडिंग में डायरेक्ट हम फेज और न्यूट्रल डालते हैं। यहाँ पर देखिए सी कॉमन है, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट को जोड़ के हम न्यूट्रल दिए हैं। और एक में देखिए रनिंग वाइंडिंग में हम पी जो लिखा हुआ है डायरेक्ट फेज चला गया है 220 वोल्ट और कैपेसिटर 2.5 माइक्रोफैरेड का है, वो स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में किया हुआ है। यदि हम कैपेसिटर नहीं लगाएंगे, दोनों वाइंडिंग में एक साइड में फेज और दूसरे साइड में यदि हम न्यूट्रल डालेंगे तो पंखा नहीं घूमेगा, वाइब्रेशन होते रहेगा। कैपेसिटर लगाने का मेन जो मकसद होता है हम लोग का कि दोनों वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग में दोनों में अंतर, मतलब फेज को डिफरेंस स्प्लिट करना। एक फेज एसी मोटर में कॉइल्स के बीच में एक विपरीत विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है या जो बदले में एक चुंबकीय प्रवाह बनाता है और पंखे के रोटर को घुमाता है। यदि हम कैपेसिटर नहीं लगाएंगे तो पंखा नहीं घूमेगा। एक ही लाइन में बताएंगे, कैपेसिटर का काम है फेज को स्प्लिट करना, डिफरेंस दोनों वाइंडिंग में डिफरेंस लाना। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक